न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। तो जैसे कि न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है एटम्स के मुकाबले, तो इसमें तीन अब न्यूक्लियर फोर्सेस जो है तो एटम्स के मुकाबले न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमने क्या देखा था, एटम्स में एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का हम देखा था, तो उसमें बेसिकली कुलम्बिक फोर्सेस लगता था, और कुलम्बिक फोर्सेस लगता था। तो इस अब न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उनके बीच में काफ़ी रिपल्शन होगा। तो इस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो, जो जो कि सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ इकट्ठे करके रखता है। तो इस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है कोलम्बिक फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि कोलम्बिक फोर्स सारे प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा है आपस में, तो उन सबको एक साथ बाइंड करने के लिए न्यूक्लियॉन को पूरा एक जगह इकट्ठे करने के लिए ये न्यूक्लियर फोर्स चाहिए। तो न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रांग होता है काफ़ी कोलम्बिक फोर्स से, और न्यूक्लियर और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि उनके पास मास है, लेकिन वो बहुत ही वीक है, मतलब उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें तीन तरह के फोर्सेस लग रहे हैं पूरे न्यूक्लियस में। एक लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है कोलम्बिक फोर्स से, और तीसरा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कोलम्बिक फोर्स का मैग्नीट्यूड उससे भी काफ़ी बड़ा है। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मैग्नीट्यूड में काफ़ी कम होता है। तो मेनली न्यूक्लियर फोर्स और कोलम्बिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, कोलम्बिक फोर्स होता है लॉन्ग रेंज, और ये होता है शॉर्ट रेंज। तो ये होता है तीन फोर्स लगते हैं दो तरह के, एक लॉन्ग रेंज होता है एक शॉर्ट रेंज। ये बेसिकली रिपल्शन अट्रैक्शन होता है चार्जेस की वजह से, ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसका डेरिवेशन हम अभी कर नहीं सकते इस लेवल पे। ये हो गया। तो अब इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। तो सपोज ये आर है फेमटोमीटर्स में, ये आर है फर्मी में, और इधर है पोटेंशियल एनर्जी है न्यूक्लियर चार्जेस के वजह से मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इधर हो गया डिस्टेंस आर फर्मी में, और इधर पोटेंशियल एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक फर्मी, दो फर्मी, तीन फर्मी, कुछ ऐसा ग्राफ आता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का। तो यहाँ पे मिनिमा आता है, सबसे कम वैल्यू यहाँ आती है, ठीक है, आर 0.8 फर्मी पे, जिसको आर नॉट बोला हमने,
और शुरू में फोर्सेस जो होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या, फोर्सेस रिपल्सिव हैं। तो शुरू में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सिव काम करता है आर नॉट से कम डिस्टेंस पे, उसके बाद अट्रैक्टिव होना, सबसे कम यहाँ वैल्यू आती है आर नॉट पे, इसमें यहाँ से इस पे सबसे हाईएस्ट अट्रैक्शन होती है, उसके बाद वैल्यू कम हो जाती है लेकिन हमेशा अट्रैक्टिव रहती है, जीरो से कम आती है। तो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि शुरू में एट स्टार्टिंग एट वेरी क्लोज डिस्टेंस, ऐसे लिखता हूँ, एट वेरी क्लोज डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्सेस रिपल्सिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि शुरू में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सिव है, उसके बाद फिर अट्रैक्टिव होने लगता है, और सबसे कम वैल्यू आती है आर नॉट पे, यहाँ पे सबसे कम वैल्यू होती है, उसके बाद भी थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन हमेशा जीरो से कम वैल्यू रहता है, मतलब अट्रैक्टिव ही रहता है थ्रू आउट। शुरू में रिपल्सिव होता है, फिर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, उसके बाद फिर कम हो जाती है लेकिन अट्रैक्टिव रहती है थ्रू आउट। तो ये होता है नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस ओवर डिस्टेंसेस, लेकिन इसका बहुत ही शॉर्ट रेंज डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं फर्मी में इसका चल रहा है, ऑर्डर 10 पर -15 में जाता है ये। तो ये हो गया न्यूक्लियर फोर्सेस का नेचर हो गया। तो न्यूक्लियर फोर्सेस का नेचर और इसका स्ट्रेंथ तक के पता चला, तो तीन बातें सामने आई। पहला कि फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसको कोलंबिक फोर्स को ओवरकम करना है पूरे न्यूक्लियस को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, बाइंड करने के लिए। दूसरा कि ये फोर्स शुरू में रिपल्सिव होता है, फिर स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है, उसके बाद अट्रैक्शन कम हो जाती है लेकिन थ्रू आउट अट्रैक्शन ही रहता है। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कि कौन सा दो दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है, अगर वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन है या दो प्रोटॉन है, तब भी मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम फोर्स ही लगता है तीनों पे। तो इससे मतलब नहीं है कि कौन सा मतलब पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो तीन बातें हैं इसमें, पहली बात क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, दूसरी बात है शुरू फर्स्ट रिपल्सिव देन अट्रैक्टिव, और तीसरी बात क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ विच टू पार्टिकल्स आर इंटरैक्टिंग। मतलब सेम होता है, सेम फॉर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो तीनों पे सेम फोर्स लगता है न्यूक्लियर फोर्सेस, और शुरू में रिपल्सिव होता है फिर अट्रैक्टिव हो जाता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, कोलम्बिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग होता है, और ये होता है तीन फीचर्स हो गए न्यूक्लियर फोर्सेस के। तो ये होता है।